मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द निस्तारण करने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने कमाऊं मंडल में गतिमान विकास कार्यों, सड़कों की अद्यतन स्थिति का समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी लेकर पूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को नवम्बर माह तक ठीक कर उन्हें गड्ढा मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा, हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र से जो 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। वहीं प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में जाकर जनता के समस्याओं का तुरंत समाधान करने की बात कही। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। के बाद बहुत आपदा में इस बार काफ़ी क्षति हुई है, अतिवृष्टि के कारण से, भूस्खलन के कारण से कहीं पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, अन्य संपदाओं का नुकसान हुआ है, तो उसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनका पुनर्निर्माण होना है, उसके पुनर्निर्माण के लिए कहा है। और सड़कों को क्योंकि गड्ढा मुक्त करना है और गड्ढा मुक्त करने की एक समय सीमा भी है, संसाधन भी है, तो ये हुआ है कि 30 नवंबर तक सभी जगह पर काम करवाए जाएंगे, पैचवर्क करवाए जाएंगे, और जो संसाधनों की आवश्यकता होगी अलग से भी संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। और सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जो है ठीक प्रकार से काम करें। सभी जिलों में जो है नशा मुक्ति के संबंध में भी बातें हुई, नशे को रोकने के लिए, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमारा अभियान है उसको रोकने के लिए, यातायात व्यवस्था ठीक हो उसके लिए, अन्य बहुत सारे सुझाव जो हमारे हल्द्वानी को, हल्द्वानी रिंग रोड के संबंध में थे, हल्द्वानी रिंग रोड के जल्दी नए DPR बनाकर शासन को भेजे जाने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2000 करोड़ रुपये का स्मार्ट सिटी का लिए हल्द्वानी के लिए जो पैकेज दिया गया है उस पर भी जल्दी, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और लगभग 1600 करोड़ के टेंडर फ्लोट कर दिए गए, जल्दी वो भी अवार्ड हो जाएंगे, तो उस पर भी काम चलेगा।